चंबा महाविद्यालय का वार्षिक समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस समारोह में हिमाचल विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के छात्रों द्वारा गायन व नृत्य पर अपनी प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय की प्रधानाचार्य सुमन बेदी ने भी महाविद्यालय द्वारा वर्ष भर में हासिल उपलब्धियों को भी सभी के साथ साझा किया। वर्ष 2017-18 के सत्र में महाविद्यालय प्रशासन ने यहां पठन पाठन कर रहे छात्रों को कई अवसर प्रदान किए। अनेक होनहार छात्रों ने खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेकर महाविद्यालय का नाम रोशन किया। इसी क्रम में महाविद्यालय के छात्र साहिल ने नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया। इसी छात्र ने ओपन स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। महाविद्यालय के छात्र अक्षय ने सीनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में भाग लिया। हमारे महाविद्यालय के छात्र सुनील कुमार ने अंडर-21 नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भाग लिया। स्टेट लेवल 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में सेकंड पोजीशन, स्टेट लेवल हाफ मैराथन 21 किलोमीटर में थर्ड पोजीशन, न्यू ईयर ओपनिंग 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में थर्ड पोजीशन तथा ड्रग फ्री पंजाब के थीम पर आयोजित 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में थर्ड पोजीशन हासिल की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज जी ने सभी छात्रों को उनकी उपलब्धियों पर बधाई दी। अभी हिमाचल में सरकार हमारी बनी है, माननीय ठाकुर जयराम जी की सरकार भी बहुत संवेदनशील और विकासात्मक रवैये से काम कर रही है। वो सारी योजनाएं रखो अपने पास, क्योंकि मैं देख रहा था, जब आप लोगों को पूछ रहा था यहाँ से, तो जो रैंडम सर्वे हुआ उसमें गांव के ज्यादातर बच्चे हैं। तो एक पढ़ा लिखा नौजवान जब गाँव के लोगों को एड्रेस करेगा, एक ग्रेजुएट लड़का या लड़की, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। मैं इसके लिए आपके बीच में आया हूँ। आप ग्रेजुएट हैं नहीं है, आपके माथे पे नहीं लिखा जाएगा, लेकिन आपका व्यवहार जो है वो ऐसा होना चाहिए जो समाज को एक आईने का काम करे। मुझे आपके इस समय की जरूरत है, आपकी वो जो जवानी है इसकी जरूरत है, और जवानी भी ऐसी हो। देखो, एक समय था जब दिल्ली में लाइट होती थी और चंबा में होती थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली में तो सर्व व्यवस्थाएं आ गई लेकिन चंबा में कुछ नहीं आया। सोचो, जो पढ़े लिखे अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा भी समझते हैं ना जी, उनको भी समझना चाहिए। जो लीडर, जो पार्टियां आपके सामने आती हैं, उनको भी पूछो कि एक टाइम यहाँ से अब उस जो हमारा पावर हाउस था उसके क्या हालात हैं। ये तो हम किसी को भी, मैं पुरानी सरकार को भी नहीं खोजना चाहता। जिसकी जितनी बुद्धि होती है, जिसका जितना विवेक होता है, वो उतना ही काम करता है। हम सिर्फ इतना करने आए हैं कि यहाँ बदलाव हो चंबा में, चंबा में भी लोग आए तो लगे कि भाई मैं किसी शहर में गया हूँ।
कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा साल भर में अव्वल प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क रिपोर्ट।